दोस्तों ब्योरली शक्ति समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात को लेकर 2013 में एक तहरीक मालेगांव से शेख रशीद के साहबजादे आसिफ शेख ने शुरू की थी। 2013 में मालेगांव से मुंबई तक लगभग 300 किलोमीटर पैदल चलकर इनका काफिला मुंबई पहुंचा था और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने जो सत्ता में थी उन्होंने ऐलान किया था कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन तालीमी मैदान में या इस तरह के और मैदान में दिया जाएगा। वक्त बदलता गया, सरकार बदल गई और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब आसिफ शेख मालेगांव के मौजूदा MLA हैं। उन्होंने कल भिवंडी पहुंचकर यहां से एक पदयात्रा की शुरुआत की उसी मांग को लेकर 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में मुसलमानों को। आगे बढ़ने के बाद कलुआ पुलिस ने वहां रोक लिया और काफिले में मौजूद लगभग 100 से ऊपर लोगों को अपने पुलिस स्टेशन लेकर गई कलुआ पुलिस और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बकिया लोगों को भिवंडी शहर की तरफ भेजा गया वापस। बहरहाल मांग है, सरकार से ही मांग की जाती है। इस तहरीक को आगे बढ़ाते हुए आसिफ शेख ने पुलिस से जो बात की और हालात नहीं बदले, बहरहाल PR बॉन्ड पर इन 10 लोगों को छोड़ा गया और वो मुंबई चले गए मगर बकिया लोग भिवंडी चले आए और भिवंडी में जिन लोगों ने इन्हें संभाला और भिवंडी से जाते वक्त माइनॉरिटी सेल के जो भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के तुफेल फारूकी जी ने, उन्होंने इनको भिवंडी से रवाना भी किया था और जब इन लोगों की वापसी हुई तो भिवंडी शहर में उनका पूरा बंदोबस्त भी उन्होंने किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तुफेल फारूकी सर जो भिवंडी शहर माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं। इस ताल्लुक से हम उनसे और जानकारियाँ लेते हैं। फारूकी सर, ये बताइए कि कल जो काफिला भिवंडी मालेगांव से भिवंडी आया था और यहाँ से पदयात्रा जब उन्होंने शुरू की तो आपका और आपके पार्टी का उसमें क्या योगदान था? जैसे हम लोगों की जानकारी में आ चुका था 2-3 दिन पहले कि मालेगांव से आसिफ शेख साहब की अध्यक्षता में वहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग आरक्षण की मांग को लेकर निकलने वाले हैं और हमारा रास्ता भी कायम हुआ हमारे आसिफ भाई से। उसके बाद हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया भिवंडी के अंदर आने पर और इस्तकबाल के बाद दुआ वगैरह हुई और दुआ के बाद हम लोगों ने जिस नेक नीति से वो निकले हैं और जो उनका मकसद है मुसलमानों के रिजर्वेशन के अंदर, सिर्फ मुसलमान का ही मसला नहीं है, मुसलमानों में 25 जातियाँ हैं ऐसी हैं जो मुसलमान रिजर्वेशन के हकदार हैं और जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने दोहरी पॉलिसी अख्तियार किया और मुसलमानों के मामलात को जो आरक्षण की मंजूरी कांग्रेस पार्टी ने किया था अपने समय में लेकिन वक्त रहते वो नहीं हो पाया था, वो कमी रह गई थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो अपने वादे पर कायम नहीं रहे। लगभग 4.5 साल का वक्त निकल गया, उसके वजह से हमारे आसिफ शेख साहब जो ये आंदोलन को चला रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन को, उन्होंने शहर के बिगड़ते हालात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तरीके के जो शहर के अंदर और इंडिया के अंदर तमाम जो बम ब्लास्ट वगैरह अभी हाल ही में हुआ है पुरामा में, उसकी सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे और बहुत ही दानिश्वर समझदार आदमी है और सेकुलर आदमी है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो मालेगांव नासिक को छोड़कर उन्होंने भिवंडी चुना कि डिफरेंस कम हो जाएगा जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर वगैरह में या किसी तरीके की कोई दुश्वारी नहीं होगी पुलिस को, और उसी तरीके से उन्होंने यहाँ से शुरुआत किया। लेकिन शायद गवर्नमेंट का दबाव रहा होगा पुलिस पर, जिस तरीके से हमारे कलवा पुलिस स्टेशन के अंदर आसिफ शेख साहब को हमारे रोका गया पुलिस के द्वारा और वहाँ पर उनको रोक कर और इस मार्च को, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गवर्नमेंट, मैं उनकी इस कार्रवाई की बहुत ही कठोर शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक काम है, एक बिल्कुल संजीदगी से और बिल्कुल खामोशी से निकाला हुआ एक आंदोलन और जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, ये हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये आवाज़ तो दबने और ख़त्म होने वाली नहीं है, ये आवाज़ उठेगी और इंशाल्लाह हम रिजर्वेशन लेकर रहेंगे, ऐसी हमारी कोशिश है और रहेगी, जारी रहेगी। और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि इस मिशन में हमारा साथ दें
क्योंकि ये 25 जातियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, बहुत ही खस्ता हालत में हैं। हम सब उनकी मांगों को लेकर जो लड़ाई छेड़े हुए हैं, हम आसिफ शेख साहब हम उनके साथ हैं, साना बसाना हम उनके साथ रहेंगे। और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया और हमारे आंदोलन को कुचलने की गवर्नमेंट ने कोशिश की और बाकी के लोगों को लाकर भिवंडी की हद में छोड़ा गया, तो इंशाल्लाह हम भिवंडी के लोग उनका तहे दिल से स्वागत किए और आने के बाद उनकी जो भी हम लोगों से हो सका हम लोगों ने उनकी खिदमत मजामत की। और अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हम लोगों को उनकी खिदमत करने का मौका दिया, क्योंकि वो कौम के लिए निकले हैं, वो अपने मुफाद के लिए किसी एक आदमी के फ़ायदे के लिए नहीं, वो कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम भिवंडी के सभी लोग जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों की, हम उनके साना बसाना कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से हर जगह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तुफैल फारूकी, भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष, इन्होंने सारी बातें बताई। दोस्तों ये मार्च रुका नहीं है, 26 फरवरी को खिलाफत हाउस से ये मार्च निकलकर मुंबई आज़ाद मैदान में धरना देगा और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेगा, और ये अभियान जारी रहेगा। थोड़ी देर पहले ही हमारे आसिफ शेख से बात भी हुई है जो मालेगांव के मौजूदा MLA हैं, उन्होंने बताया है कि ये अभियान हर हालत में आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार से अपनी मांगों को हम पूरा करके रहेंगे। मैं शक्ति समाचार के लिए खान पकड़ा लूँ।